गीली गीली पप्पियां भेजती जो रोज है, पता करो वो एंजल प्रिया कोई मनोज है। कि जब आपको होश ही ना हो कि कला हो रही है, उसी वक्त कला हो रही है। वाह, क्या बात, वाह। मैं हंसती रहूंगी, इंडिया को हंसाती रहूंगी। कि जो राइटर्स हैं वो कॉमेडियन हो गए हैं, वो सिर्फ हा हा करके भाग जा रहे हैं। गारंटी वाली बात है कि आप लोग गिर गिर हंसेंगे बेड से ऐसे नीचे। देखिए मैड तो हम लोग खुद ही हैं और कॉमेडी ये लोग मचाएंगे और मैं हंसती रहूंगी, इंडिया को हंसाती रहूंगी। देखिए हमने एक्चुअली जो प्रॉमिस किया है मैडनेस मचाएंगे, इंडिया को हंसाएंगे, तो वो इसलिए है बिकॉज जो मैडनेस के लेवल्स हम लोग छू रहे हैं, हम लोग एक एपिसोड शूट कर चुके हैं कल, तो जो हम लोग लेवल कल छू के आए हैं और उसके बाद जो बुलंदियां हम छूना चाह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आप लोग बस एक बार 9:30 बजे 9 मार्च को लगा के देखो। मैं कह रहा हूँ गारंटी वाली बात है कि आप लोग गिर गिर हंसेंगे बेड से ऐसे नीचे ऐसे करके। जैसे शो का नाम है तो नाम से ही जाहिर है कि मैडनेस है और मचाएंगे हैं, क्योंकि मैडनेस की कोई सीमा नहीं होती है और मचाने की भी कोई सीमा नहीं होती है, ये एंडलेस है। तो हम लोग भी वही कोशिश कर रहे हैं, कई बार खुद के भी काम को देख लगता है कि हम लोग कर क्या रहे हैं, मतलब ये क्या है, ये घर वाले बोलेंगे ये अलग पागलपन है, मतलब खुद को भी आश्चर्य हो रहा है ना, और चाहते भी वही हैं। गोविंदा जी ने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि जब आपको होश ही ना हो कि कला हो रही है, उसी वक्त कला हो रही है। क्या बात, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, मतलब चार्ली चैपलिन साहब से लेके कितने सारे लोग हैं, गोविंदा सर का नाम मैंने लिया, जिन्होंने पागल किया है और कब कर गए हैं ये लोग जो चीज़ हम अब कोशिश कर रहे हैं, वो 50 साल पहले लोग कर चुके हैं, 20 साल पहले लोग कर चुके हैं। पर अगर हम अपने शो की बात करें, हमें हमारे शो में लोग बहुत इंस्पायर करते हैं। इसका ऑब्जर्वेशन, इंदर का ऑब्जर्वेशन बहुत कमाल है, आप कुशल का ठहराव देखिए, उसका ठहराव बहुत कमाल है, वो इत्मीनान से चबा के आराम से कर रहा है, ऐसा लग रहा है वाकई घर के बेडरूम में बात कर रहा है वो। आप स्नेहिल के पागलपन को देखेंगे, स्नेहिल सहज हैं, बहुत सहजता के साथ करती हैं, एफर्टलेस है, तो ये चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। मोस्टली राइटर्स ही हैं शो में। क्योंकि जो राइटर्स हैं वो कॉमेडियन हो गए हैं, वो सिर्फ हा हा करके भाग जा रहे हैं। नहीं नहीं, ऑन सीरियस नोट, इट्स अ ग्रेट टीम। यस, और राइटर्स दे आर डूइंग फैब जॉब, सी द इंग्लिश है मैन, एंड सो वी आर गेटिंग गुड स्टफ। अगर आपको पेपर पे कुछ अच्छा लिख के मिल जाए ना, तो फिर आपको इम्प्रोवाइज करने की दिशा भी मिल जाती है कि इस पे कुछ बना सकते हैं। इंदर इस चीज़ को बेहतर समझते हैं, स्नेहिल खुद लिखती हैं, एक्चुअली हम तीनों ही लिखते हैं, हम तीनों ही राइटर हैं, और तो वो समझ भी आती है कि ये पेपर पे इस तरह की बात लिखी गई है, तो हाँ इसको ये ऐसे उतरना चाहिए। और शो की बेस्ट बात ये है कि जितने भी आपको टैलेंट मिल रहे हैं शो पे, लाइक फ्रॉम स्नेहिल टू परितोष भाई, गौरव, केतन एंड हिमांगी, हर्ष, एवरीबडी, तो हर किसी का अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन है स्क्रिप्ट के ऊपर, क्योंकि तभी आपको वो सबके सुर अलग अलग नजर आएंगे, बट अगर आप देखेंगे तो पूरा शो एक सिम्फनी लगेगा आपको, सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट। सर बिल्कुल पूरी तरीके से बात करने वाले हैं, शो में मुझे बताया गया 10 कैमरे लगे हैं, मैं सारे जितने कैमरे लगे मैं सब में देख के फ्रंट दे दूंगा अपना, मैं क्योंकि सी एक्सप्रेशंस ऐसी चीज़ हैं जो मैंने 4 साल पहले फिगर आउट किया था कि मेरा स्ट्रेंथ है, हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है, कोई लिखता बहुत अच्छा है, कोई परफॉर्म बहुत अच्छा करता है, मुझे ये पता है मैं चुप रह के भी आँखें हिला लूँगा लोग हंस देंगे, तो मैं उसी के लिए आ गया हूँ सोनी वालों से बात करके, आँखों से गोली मारे, और कोशिश ये रहेगी कि इनकी आँख हुमा की तरफ ना जाए, कहीं ले जाएंगे, नहीं तो किसी कैमरे में से भी मुक्का आ सकता है। इनसे तो कोई नहीं बचा पाएगा, वो तो भूल ही जाओ, लेकिन इंदर भाई तुम टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल हम तुम्हारे लिए अच्छी लड़की ढूंढेंगे, थैंक यू, तुम्हारी शादी करवाएंगे शो के एंड तक। देखो इसका नाम इंदर है, तुम्हें लगता है कि किसी अप्सरा से बच पाएंगे? गीली गीली पप्पियां भेजती जो रोज है, वाह वाह, इंस्टा प्रजाति, गीली गीली पप्पियां भेजती जो रोज है, पता करो वो एंजल प्रिया कोई मनोज है। क्या बात है, क्या बात है, 10th याद आ गई।